इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक केस में सुनवाई करते हुए अपना फैसला सुनाया है। अब वो फैसला क्या है और वो केस क्या है ये भी आपको विस्तार से बताएंगे, पर इससे पहले इस वीडियो को पूरा देखिएगा और इस पर आपकी क्या राय है। क्या आपको वाकई लगता है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है वो सही है या नहीं, अपनी राय को रखिएगा कमेंट बॉक्स में। मैं आपको बता दूं, इलाहाबाद हाई कोर्ट ये कहता है कि रेप पीड़िता को रेपिस्ट के बच्चे को जन्म देने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। यानी कि अगर किसी लड़की का रेप हो जाता है, इस दौरान वो प्रेग्नेंट हो जाती है, तो कोई भी उसे इस बात के लिए मजबूर नहीं कर सकता है कि वो रेपिस्ट के बच्चे को जन्म दे। अगर वो लड़की अबॉर्ट करवाना चाहती है तो इसमें पूरा सहयोग जो है उसे वो कोर्ट की तरफ से दिया जाएगा। यानी कि आपको बता दें, कानूनी तौर पर उसे पूरा सहयोग इस बात के लिए दिया जाएगा। अब ये सुनवाई जो है केस ऐसा ही इलाहाबाद हाई कोर्ट में आया, जिसकी सुनवाई करते हुए इस बारे में जो है कोर्ट ने बताया। मैं आपको बता दूं, मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि किसी भी रेप पीड़िता को रेपिस्ट के बच्चे को जन्म देने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। मतलब ये मामला एक कोर्ट में पेश आया था, जहां पर ये बताया जा रहा था कि एक रेप पीड़िता कम उम्र की लड़की थी और इसने 25 सप्ताह के गर्भवती होने के बाद जो है अपनी याचिका डाली थी कि ये अबॉर्ट करवाना चाहती है। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया है कि किसी भी लड़की को इसके लिए परेशान नहीं किया जाएगा, फोर्स नहीं किया जाएगा कि वो रेपिस्ट के बच्चे को जन्म दे। अगर इस दौरान वो अपना अबॉर्शन करवाना चाहती है तो पूरी लड़की की सहमति इसमें होगी तो वो अपना अबॉर्ट जो है वो करवा सकती है। अब इस फैसले को, कोर्ट के इस फैसले को जो लड़की के हक में सुनाया गया है और बाकी जो ये फैसला लिया गया है, आप लोग किस तरह से देखते हैं, अपनी राय को रखिएगा कमेंट बॉक्स में। बने आप अर्ली टाइम्स के साथ। जय हिंद।